अब पानी में डालिए सजवन, लाल मिर्च, टमाटर और प्याज, और हमारी सब्जी बन करके फटाफट से हो जाएगी तैयार। तो लीजिए फ्रेंड्स, आज मैं एकदम नई यूनिक रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी से ही मेरे वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और चलिए हम फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज की रेसिपी बहुत ही यूनिक होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने लिया है 500 ग्राम हमने सजवन लिया है, उसको अच्छे से काट करके लिया है। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे से एक साइज का हमारा सजवन हमने काट लिया है। और यहाँ पे देखिए, सजवन को हम ऐसे छील करके भी ले सकते हैं, पर ये बहुत ही पतला और सॉफ्ट है हमारा सजवन, इसीलिए हम इसको छील नहीं रहे हैं, इसको ऐसे ही बनाएंगे हम फटाफट से, बन करके रेसिपी हमारी तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, जब से मैंने ये ट्रिक आजमाया है, पुराना सारा तरीका मैं भूल गई हूँ। बहुत ही यूनिक है, देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है हमारा सजवन। इससे रेसिपी जो बनेगी ना, बहुत ही अच्छी बनेगी, यूनिक और अलग बनेगी। तो चलिए इसको साइड में करते हैं और यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 4 प्याज लिया है, उसको छील करके अच्छे से धो के क्लीन कर लिया है। 3 टमाटर हमने लिया है लाल वाला, और 4 हमने लहसुन के गांठे लिए हैं, और 4 हमने लाल मिर्च को लिया है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए फटाफट से आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे लीजिए फ्रेंड्स, हमने एक कढ़ाई चढ़ा दिया है, उसमें हमने कुछ पानी ऐड कर दिया है, और जो हमने सजवन को काट करके छील करके रखा था उसे हम डाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे टमाटर को, जो 3 टमाटर हमने लिया था, और प्याज को। तो फ्रेंड्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अपने ढेर सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही मैं बहुत ही यूनिक डिफरेंट तरीके से नई नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आप लोग लाइक करिएगा तो मुझे भी थोड़ा सा, मैं भी मोटिवेट रहती हूँ और अच्छा अच्छा वीडियो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो लीजिए इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए हैं और बहुत ही अच्छे से हमारा जो सजवन है, इसको ज़्यादा भी हमें नहीं उबालना है, बस थोड़ा सा उबालना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये बहुत ही जो है कम, मतलब पतला है, बहुत ही सॉफ्ट है, अभी बहुत ही ताज़ा हमारा था, तो उसको ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं है। और हम टमाटर को भी निकाल लेंगे, ऐसे ही करके हम प्याज को भी निकाल लेंगे। जो हमारा ये प्याज है ना, बहुत ही मीठा और बहुत ही सॉफ्ट हो गया है गल करके। वैसे ही करके हम सारे चीज़ों को एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने लिया है सारा चीज़ को निकाल करके एक बाउल में रख लिया है, देख सकते हैं बहुत ही जो ये प्याज है और टमाटर खूब अच्छे से गल गया है। और यहाँ पे देखिए, हमने सजवन को भी निकाल लिया है और इसको धो करके फ्रेश कर लिया है एक बार, और इसे हमें धो लेना है, तो हमने धो लिया है। और यहाँ पे देखिए, हमने एक मिक्सी का जार लिया है, उसमें हम इस जो लाल मिर्च को हमने उबाला था उसे डाल देंगे। और ऐसे प्याज को अगर हम उबालते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छा मीठापन आ जाता है, जिससे कि सब्जी का जो हमारा टेस्ट है वो दुगना कर देता है, और बहुत ही अच्छा टेस्ट लाकर ये प्याज हमारा देता है। वैसे ही हमारी लहसुन भी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, तो इसे भी हम जार में डाल देते हैं। और टमाटर को हमें क्या करना है, टमाटर को हमें अच्छे से छील लेना है। हमने इसको इसलिए उबाला था ताकि ये अच्छे से छील पाए, और इसका सारा छिलका हमें उतार कर लेना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, टमाटर को भी हमने ऐड कर दिया, ऐसे ही सारे चीज़ों को छील करके जार में डाल देना है, और जार का ढक्कन लगा करके हमें इसका फाइन पेस्ट बना लेना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा जो ये मसाला हमारा तैयार हो गया एकदम पेस्ट बन करके, जो हमारा प्याज और टमाटर का जो पेस्ट है, बहुत ही मैंने बारीक इसको पीस लिया है। और जार को भी हम क्लीन करके डाल देंगे इसमें, थोड़ा सा भी हमें मसाला को वेस्ट नहीं करना है, बहुत ही कीमती है ये सारा चीज़। तो लीजिए, इसमें हम कुछ ड्राई मसाले भी ऐड कर लेते हैं। तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच हमने जीरा धनिया पाउडर ले लिया है, और स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। हमने तो 1 चम्मच डाला है, आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं जितना भी आप लोगों को नमक पसंद हो। उसके बाद सारी चीज़ों को हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, सारे मसाले को। तो लीजिए फ्रेंड्स, सारे मसाले को हमने अच्छे तरीके से
मिक्स कर लिया है। देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना स्मूथ हो गया है, बहुत ही अच्छा हो गया है। तो इसको हम फटाफट से साइड में रखते हैं और आगे की तैयारी शुरू करते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक कढ़ाई चढ़ा दिया है, उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा तेल, जैसे कि 2 चम्मच हम इसमें सरसों का तेल ऐड करेंगे। सरसों के तेल से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 तेज़पत्ता, 2 लाल मिर्च, 1 लाल मिर्च, जो मतलब जितना आपको चाहिए, और थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा हमने जीरा पाउडर डाल लिया है। और तड़का का कलर चेंज हो गया है तो हम सारा मसाला इसमें ऐड कर लेंगे जो हमने पेस्ट बना करके तैयार किया था। और इसको हमें मीडियम आंच पे 2 मिनट भून लेना है ताकि इसका कच्चापन जो है निकल जाए। इसको अच्छे तरीके से हमें भून लेना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, 2 मिनट हो गए हैं, तो उसके बाद हम ढक देते हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हमने ढक करके रखा था और हमारा मसाला एकदम कितना अच्छे से देख सकते हैं पक चुका है, और इसमें से ऑयल भी थोड़ा थोड़ा सा सेपरेट होने लगा है। तो इसको फिर से हमें थोड़ी देर भून लेना है। इसमें कोई सी भी जो सामग्री है ऐड नहीं करना है, सारा चीज़ हमने पहले ही इसमें ऐड कर दिया है। तो ये फटाफट से बन करके सब्जी रेडी होने वाली ये रेसिपी है, बहुत ही इजी और आसान तरीके से। ये ट्रिक आप लोग आजमाइएगा, 5 से 7 मिनट में हमारी सब्जी जो है बन करके रेडी हो जाती है, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करने में इतना टाइम लगा था। आप तो इससे भी फास्ट में बना करके रेडी कर सकते हैं। तो हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो गया है। तो जो हमने सजवन को छील करके उबाल करके रखा था उसे हम मिक्स कर देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, खूब अच्छे से हमें इसे चला लेना है। और ये सब्जी जो है इसमें थोड़ा मतलब इसको हमें चला करके ढकना है, क्योंकि ये ना थोड़ा सा इसमें नमक मसाले अच्छे से घुसने के लिए, नहीं तो उबला हुआ जैसे कि सजवन है तो इसमें हम पानी भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, आप लोग थोड़ा सा इसको मसाले के साथ पकाइएगा तो इसका स्वाद और भी दुगना हो जाएगा और इसमें नमक मसाले प्रॉपर तरीके से घुस पाएंगे तो खाने में ये बहुत ही टेस्टी और रसदार लगेगा। तो इसको ऐसे ही करके 2 मिनट हमें भून लेना है। तो 2 मिनट भुने हुए हो गए हैं, तो इसको हमें 2 मिनट के लिए ढक देना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा सजवन एकदम से तैयार है। हमने इसको भून कर लिया है और एक चेक कर लेंगे, खूब अच्छे से हो गया होगा। तो इसमें ग्रेवी के लिए हम पानी ऐड कर देंगे। ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, सब किसी का अपना अपना पसंद होता है। इसको सूखा भी खा सकते हैं, जैसे कि दाल चावल के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है, पर हम चावल के साथ सिर्फ खाएँगे या रोटी के साथ, तो इसमें ग्रेवी डालिएगा, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और किसी भी चीज़ से हम खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे हमने ज़्यादा इसमें पानी ऐड नहीं करना है, बस थोड़ा सा गाढ़ी ग्रेवी रखनी है। इसमें ज़्यादा ये ग्रेवीदार होता है तो उतना अच्छा नहीं लगता है। तो इसको चला करके मिला करके और देख लेते हैं। तो थोड़ा सा हम इसमें, मुझे पानी की कमी लगी, थोड़ा सा और इसमें पानी डाल देंगे और इसको चला करके इसे हमें ढक देना है 5 मिनट के लिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए हैं और हमारी सब्जी एकदम से बन करके रेडी है। देख सकते हैं हमने गैस के फ्लेम को भी ऑफ कर दिया है और देखिए इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो गया और गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए इसे गर्मा गर्म आप लोगों को सर्व करके दिखाते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, एकदम हमारी सजवन की सब्जी बन करके रेडी है। दिखने में जितना अच्छा है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये एक भी हमारा जो सजवन है टूटा फूटा नहीं है। तो इसको आप लोग रोटी चावल किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं किसी को भी, और सजवन तो हमारे टेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय।